मेरा सुनेहा कि भगवंत ना तो मैं तेथों डरदा ते ना मैं तेरी विजिलेंस तो डरदा और भगवंत मैं इन्हों नसीहत ही करूँगा कि जिन्नी तेरी हैसियत है और जिन्नी तेरी औकात है तेरे मन च ना रह जाए यार कि मैं सीएम बनिया सी ते मैं मनप्रीत का नुकसान नहीं कर सकता मनप्रीत नू मैं बर्बाद नहीं कर सकता ते मैनू तू राजा वेडिंग ना समझ ली कि अद्धी रात नू टोपी पा के मास्क पा के ते मैं तेरे गोडे हाथ ला दूँ ये मेरी फितरत है। जे कोई इन्नी जरूरत सी तो यार उत्थे जाके मनप्रीत के खिलाफ कोई बयान तो दियो ना। पीएम नू और भगवंत नू यही कह के जाऊंगा यार दिल च ना रखी उहदा वहम कढ लो जे मनप्रीत का कोई नुकसान होता तां असीं तैयार। और मैनू यह भी पता है कि अज की मेरी आस सुन के उन्होंने रातों रात कोई ना कोई ऐसी बगाड़ तगाड़ के कोई कितों ना कितों कोई बिल कढ के कि जी ने आ करता पर मैं हुण तैयार है जो करना कर लो। भगवंत की खिदमत दे विच वो कहिंदा कल तक जो यहाँ तख्त नशी था उसे भी अब खुदा होने का उतना ही यकीन था उन्होंने भी लगता सी मैं रब बन गया। हाल ही विच मनप्रीत बादल नू विजिलेंस वल्लों घेरिया पाया गया अते जिस तो बाद मनप्रीत बादल ने भगवंत मान ते खूब तंज कसे। उसने कहा तेरी इन्नी हैसियत नहीं तेरी इन्नी औकात नहीं कि तू मेरा कुछ बिगाड़ सके। उन्हें यह भी कहा कि तेरे मन च यह ना रह जाए भी मैं सीएम बनिया सी अते मैं मनप्रीत बादल का कुछ नहीं बिगाड़ सकिया। उन्हें यह भी कहा कि ना ही मैं राजा वड़िंग हाँ जो कि तेरे गोडी हाथ ला दूंगा मैं मनप्रीत बादल हाँ जो थे तो हुंदा है कर ले। दोस्तों इन्ना कहंदे हुए मनप्रीत बादल ने भगवंत मान नू खूब झाड़ पाई आओ एक बार तुसीं भी सुनो। पर ये देखो गल ये है कि ना तो मैनू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पता की है ना मैं कदे फेसबुक ते लाइव हुंदा ना मैं कदे तू तू मैं वाली राजनीति च पिया मैं ना किसी बंदे ते अज तक कोई इल्जाम तराशी कीती है। जे कोई इन्नी जरूरत सी तो यार उत्थे जाके मनप्रीत के खिलाफ कोई बयान तो दियो ना मतलब कल्ला इस गल ना किसी शरीफ बंदे की पगड़ी उछाल देनी यू नो बई इस कम तो मैं समझदा। और जिहड़ी आ देखो इन्होंने जिहड़ी कंप्लेन अज मैं कहा जी मैनू कंप्लेन की कापी तो दे दियो ये सीबीआई नू मार्क है तो सीबीआई नू पता नहीं होते कोई पढ़ता भी है तो ये विजिलेंस वाले ने सीबीआई की शिकायत पर ही मैनू बुला लिया। हालांकि इन्हों का चलो बहरहाल इन्होंने गल्लां च नहीं आपां पैंदे सीएम साहब ते मैं पढ़े है बोर्डिंग लगे 29,000 नौकरी की देती जिहड़ियां सरकारी नौकरियां च जिहड़ी जिहनू अट्रीशन रेट कहिंदे है जे 3 लाख मुलाजम है 3 लाख मुलाजम चो जे 5% भी रिटायर हो जाता है तो जे 2 साल चे 29,000 बन नवी कोई नवी इनवैसटमेंट पंजाब चाहिए ये सारिया का जिहड़ा जवाब है ये नफी च है। तो सिर्फ एक सरकार का एक एजेंडा की है विजिलेंस जिहड़ी अपने सियासी हरीफ है या सियासी दुश्मन है इन्हां दे पिछे असी सवाए इस हैडलाइन तो इस सरकार कोले हैडलाइन कोई नहीं ना कोई प्लैनिंग है ना कोई प्रायोरिटी है इस सरकार की ना ही कोई इस पंजाब नाल कमिटमेंट है और सवाए भाषण देने नाल या थोड़ा जिहा किसी नाल गल करनी वो व्यंग दे विच तंज दे विच कर देनी किसी दा किसी भी बंदे की बेइज्जती कर देनी मैं कहना ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। सो मैं तो अजे ही कहूँगा अज पंजाब दे विच मसले बड़े है बड़िया उम्मीदा नाल ये सरकार लोग लैके आए सी पंजाब दे लोग और उहदा जो लोगों का फतवा है यार उन्हू असी सिर मत्थे ते मानते हैं सानू कोई इस गल का गिला नहीं है पर अज पंजाब दे मसले की है पंजाब दे मसले है इतों का धरती का पानी पंजाब की पोल्यूशन डाइवर्सीफिकेशन एग्रीकल्चर की इतों का जिहड़ी फीकस आमदनी है पंजाब पिछे पैंदा जा रहा है स्टेट फाइनैंस जेड़े है उन्हों का मंदा हाल है नो लोग साढ़े बच्चे परदेसा च जा रहे हैं भगवंत नू कोई कॉम्पलैक्स है या कोई पुरानी रंजिश है। हालांकि अखलाक किरदार सोशल स्टैंडिंग इकोनॉमिक स्टैंडिंग मेरा बॉस रहा है हूँ मैं दे उत्ते आ गया हूँ इन्हू मैं सबक सिखाऊँ मैं दसूँगा कि हूँ मैं बॉस है वरना मेरे नाल मैं तुसी मेरे गवाह हो कि मैं कभी भी किसी बंदे नाल कोई जाति तौर पर कदे अज तीन बयान नहीं दिता मैं 30 साल हो गए मैं राजनीति मेरी समझ तो बालातर है। और मैंने ये भी पता है कि अज की मेरी आस सुन के उन्होंने रातों रात कोई ना कोई ऐसी बगाड़ तगाड़ के कोई कितों ना कितों कोई बिल कढ के कि जी ने आ करता पर मैं हुण तैयार है जो करना है कर लो ये अज मैं पंजाब के लोगों की कचहरी छाजना है। और मैं थोनों एक गल कह के जाऊँगा कि मनप्रीत ने जे एक पैसे का भी पंजाब का नुकसान किया तो मैं विजिलेंस के नहीं मैं चौंक के खड़ा होकर मनप्रीत के गोली मारियो और मैं इस गल का कोई गिला नहीं। और मैं भगवंत नूं भी यह गल कह के जाऊँगा सुरूप चंद सिंगले की कंप्लेंट चो तैन कख नहीं लभना ये बेबुनियाद यह है। यहाँ मैं 9 साल FM
ਐਮ ਰਿਹਾ 25 ਸਾਲ ਐਮ ਐਲ ਏ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖਰ ਵੱਧਾ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਹਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 25 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੀ ਐਲ ਯੂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਫ ਐਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਆਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪਿਆਦਾ ਕਰ ਯਾਰ ਐਡਾ ਮੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੇ ਚਾਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਾਂਭੇ ਲਏ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਨੋ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ 1200-1300 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੂਗੀ ਔਰ ਹਰ 5 ਗਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਔਰ ਬੰਬਈ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ 5 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਇਲੀਗਲ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀੜ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਹੁਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਹੁਣ 14 ਏਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੋਲੋਨੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬਸਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੋਟ ਵੇਚਿਆ ਇਲੀਗਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਯੂਨੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੌਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।